नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हो हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर। ताजनगरी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला। ताजनगरी आगरा के मलपरा क्षेत्र की इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय को अज्ञात बदमाशों ने बनाया निशाना, किया आग के हवाले। मलपरा क्षेत्र के आगरा ग्वालियर रोड स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय भांडई में अज्ञात लोगों द्वारा सुबह शनिवार की सुबह आग लगा दी गई। बताया जा रहा है, जिस प्रकार अध्यापकों और ग्रामीणों ने बताया है उससे प्रतीत हो रहा है कि आग लगाई गई है और यह एक सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई है। जिस प्रकार विद्यालय का मेन गेट का ताला टूटा मिला है, वहीं ऑफिस का ताला एवं गेट भी टूटा हुआ मिला है। वहीं फर्श और टेबल भी टूटी मिली है। वहीं आशंका व्यक्त की जा रही है कि अन्य कमरों में भी जिस प्रकार प्लास्टिक के कट्टों से आग लगाने का प्रयास किया गया है वो जगह जगह देखने को मिले हैं। वहीं टेबलों में भी टूटी हुई मिली है। इससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी न किसी अज्ञात बदमाशों द्वारा यह हरकत की गई है, जिसमें छात्रों के अब तक का सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। वहीं अन्य रिकॉर्ड भी स्कूल की मैडम ने बताए हैं कि मिड डे मील सहित अनेक प्रकार के रिकॉर्ड थे, वो सब कुछ जलकर खाक हुए। थाना मलपरा में अज्ञात लोगों के प्रति, अज्ञात बदमाशों के प्रति मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्रामीण को अंदेशा है कि किसी शरारती तत्व या सोची समझी साजिश के तहत इस विद्यालय में आग लगाई गई है। मलपरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। देखो, ये ऑफिस के उसमें ना मेज के ऊपर रखा था, ये कैसे बच गया, सब जल गया, ये कैसे बच गया जबकि मेज के ऊपर रखा था। ऑफिस के ऊपर रख, मेरी मेज के ऊपर रखा था ना, मेज के ऊपर सारा सामान रखी थी, पेन वगैरह रखी थी, ये मेरा सब टूट गया, ये कैसे जल के बच गया और सब कौन जल गया था। सर, मैं यूपीएस भाड़ई से राजेंद्र कुशवा, इंचार्ज प्रधान अध्यापक हूँ। क्या मामला है सर? पता नहीं है, मुझे 8:30 बजे गांव वालों ने फ़ोन किया कि मैम स्कूल में आग लग गई है। मैंने सोचा शायद मजाक कर रहे होंगे, मैंने बोला कि हम सच बताओ कि मैंने, हाँ मैडम आग लगी हुई है, आप आइए। मैंने सर देखा यहाँ सारा गाँव वाले आग बुझाने के लिए लगे हुए थे और ये सारा रिकॉर्ड मेरे जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। क्या लग रहा है आपको, आग कैसे लगी होगी? सर मेरे यहाँ कुछ लाइट वगैरह सिस्टम तो है नहीं है, अब वो लगा हुआ है मेरे यहाँ सोलर पैनल, तो आग तो लग ही नहीं सकती, मेरा ताला तोड़ा गया है। ये देखिए ऑफिस का ताला तोड़ा गया है, सारी बेंचें तोड़ी गई हैं और सारा जो फर्श है ना वो भी तोड़ा गया है। और ऑफिस के मेज़ पर, मेरी ऑफिस की मेज़ पर ये रखा रहता है जिसमें हम अपनी पेन पेंसिल वगैरह रखते हैं। सही सर बताइए, अगर लगाई नहीं गई होती तो ये कैसे बच जाता? बाकी सब रिकॉर्ड मेरा जल गया, ये कैसे बच गया आप बताइए? यस सर, दी है मैंने पुलिस को सूचना दी है, 112। यस सर, पुलिस भी आई है, 112 नंबर पर मैंने सूचना की थी, पुलिस भी आई है। क्या कुछ लोगों पर शक है आपको? सर मुझे किसी पर शक नहीं है, मैं कैसे कह सकती हूँ, मेरा तो ना किसी से लड़ाई है ना झगड़ा है, मैं तो यहाँ की टीचर हूँ और मुझे क्या मतलब किसी से लड़ाई झगड़े से। कितने वर्षों का रिकॉर्ड था सर? ये स्कूल 2004 से बना हुआ है, 2004 से लेके अब तक का रिकॉर्ड था। आगे किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी? आगे पुलिस में शिकायत करोगे? हाँ सर बिल्कुल, एफआईआर करेंगे हम लोग। अच्छा, अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताया आपने? बिल्कुल सर बताया, लेकिन सर ABSA OBSR ने भी फोन ही नहीं, संपर्क नहीं हो पाया अच्छी तरह से उनसे। बाकी सबको मैंने बता दिया है, डाल दिया है, मैसेज कर दिया है। मनीराम, सहायक अध्यापक, UPS भांडई विद्यालय। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास? कक्षा 6 से 8 तक चलता है। कितने छात्र छात्राएं पढ़ते हैं? 110। तो यहाँ जो ये आग लगी है आपको कैसे जानकारी हुई? मुझे सुबह इंचार्ज मैडम का फ़ोन आया था 8:30 बजे करीब कि विद्यालय में आग लगी, हम पहुँच रहे हैं, आप भी पहुँचे उसको। क्या लग रहा है ये आग किस प्रकार लग सकती है? कह नहीं सकते सर, मुझे तो पता नहीं, यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर रहते हैं। जब गांव वालों में पता बताया गया तो पता चला कि आग लग गई है अभी। हाँ, सारा रिकॉर्ड जल गया। नहीं, हम बता कह सकते हैं, हमें ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई विवाद चल रहा है? नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई किसी तरह का विवाद नहीं हुआ।
ग्रामीणों ने कुछ पानी समर चला के पानी से भुजाया उसको पाइप लगा के। मेरा नाम बीरेन सिंह चाहर है। चाहर ये क्या मामला है? ये सुबह मतलब 6:45 की बात है, इसमें आग धुआं उठ रहा था तो मैं उधर बैठा था अपने मकान पर, तो एक लड़का रास्ता में जा रहा था, लेटरिन करके आया था, उसने कही आग नहीं था, ये स्कूल में आग लग गई। मैंने अपने बेटे से कही आगे मैंने फ़ोन करो भाई 112 नंबर पर, तो बेटे ने मतलब प्रधान जी के लिए फ़ोन किया, प्रधान जी आए तुरंत मतलब आके ने यहाँ लोग सब इकट्ठे हुए आकर के मतलब आके ने आग को काबू किया, पानी से बुझाया आगे ने, यदि आग को नहीं बुझाते तो ये पूरा ही मतलब आगे स्कूल तहस नहस हो जाता। आगे क्या लग रहा है, किस प्रकार आग लगी होगी? ये लगाई हुई आग है, ये यहाँ कोई बिजली का वो नहीं है, ये तो लगाई हुई आग है। पहले वो ताला तोड़ा है, ताला तोड़ने के बाद में मतलब आके ने ऑफिस में से कागज लेकर के उसको जलाया है, और उसकी जो टेबल हैं वो भी तोड़ी हैं, फर्श भी तोड़ा है, ये सारी चीज़ें मतलब आके ने नुकसान किया है। मॉर्निंग वॉक एवं शौचालय को घूमने निकले ग्रामीणों ने जब आग एवं धुआं को स्कूल के अंदर से उड़ता देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं सके और स्कूल की ओर दौड़ लगा दी। देखते ही देखते आग लपटें लेने लगी, जिसमें ग्रामीणों ने पानी की सहायता से आग पर काबू पाया। जानिए किस प्रकार आग पर काबू पाया ग्रामीणों ने। कुमेर सिंह। कुमेर भाई क्या मामला है? अब सर इसमें जब आग लग गई थी तब लोगों की हमारे जो बच्चे आवाज़ आ रही थी, तो हमने अपने सारे बच्चों सहित इधर आए, धुआं निकल रहा था इसमें से, तो देखते ही देखते हमने कहा इसको बुझाओ बुझाओ, तो गड्ढे में से पानी लेकर के इस पर काबू पाया। किससे पानी लिया गड्ढे में से? यहाँ इसके पास में जो गांव का पानी आता है उसमें गड्ढे में ही आता है, उसमें से पानी लिया था। लोगों का सहयोग रहा इसमें? 10-20 लड़कों का था। तो क्या लग रहा है, ये आग लगाई गई है कि लगी? वैसे ये आग लगाई गई है, उसमें बेंचें भी टूटी पड़ी हैं, ताला भी टूटा हुआ था। अगर इसमें अगर 10 मिनट की देरी हो जाती तो इसकी बिल्डिंगें फट जाती, इतनी जोर से इसमें से धुआं निकल रहा था, आग निकल रही थी। रसोई सिलेंडर भी रखा होगा इसमें? हाँ, रसोई सिलेंडर छोटा वाला था। तो वो सब बच गया? हाँ नहीं, सब में आग लग गया, वो सिलेंडर और थोड़ी सी गोदरेज अलमारी सी है वो भी बच गई है, वो बक्से में कुछ किताबें फाइलें थी। इस समय मौजूद हो मेरे साथ थाना मलपरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत भांडई के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। आपको बता दें कि यहाँ आज यानी कि शनिवार सुबह ही सुबह स्कूल में आग लग गई। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है, परंतु आग से स्कूल का सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने आग की लपटों को देख आग पर काबू पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और आग पर काबू पाया, परंतु उससे पहले ही सब कुछ जलकर खाक हो गया। ग्रामीण और स्कूल के स्टाफ की मानी जाए तो यह आग लगाई गई है, क्योंकि स्कूल के गेट का ताला टूटा हुआ मिला है, वहीं बेंचें भी टूटी हुई मिली हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।